दोस्तों चालू है नहीं यार कह रहे हो मजा नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल निज़ामी व्लॉग्स। तो दोस्तों आज हम जो है भट्ठे, इसको भट्ठा कहा जाता है, और आज हम इसकी वीडियो बनाने वाले हैं। और यहाँ पे जो है ब्रिक्स यानी ईंटें बनती हैं, और वो आपको रिकॉर्ड करके बताएंगे और मज़ीद मालूम इनसे लेंगे हमारे दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। और बताएं ये कैसे, क्या काम होता है, कैसे चलता है? जी ये कोयला है, असल में हमारे पास सारा कोयला है, कोयले की ईंटें और जो और कोई चीज़ नहीं, ना किचरा वगैरह है, जो किचरा वगैरह आदमी चलाते हैं वो नहीं है, यही सिर्फ कोयला है हमारे पास, चलता ही कोयला है। सिर्फ कोयले से ही ये ईंटें बनती हैं? जी हाँ, सिर्फ कोयले से ही ये ईंट बनती है। अच्छा, आग जो है सिर्फ कोयले की है, वरी लगती है और कोई इसका नहीं होता था? जी हाँ, बस कोई दूसरा, आप खुद आके आप खुद ही देख लो, इनसे ही पता चल जाता है कोयले की कौन सी है, दूसरी चीज़ कौन सी है। अच्छा, अगर हम आगे चल के रिकॉर्ड करेंगे तो कोई ख़तरा तो नहीं है ना, गिर तो नहीं जाएंगे ना? नहीं नहीं, हम आपके साथ है, कोई खतरा नहीं। अच्छा चलो फिर आगे चल के रिकॉर्ड करते हैं। ये कितनी ईंटें बनती हैं रोज एक दिन में? ये हर भट्टे का अपने अपना हिसाब होता है। अच्छा, किस भट्टे पे मजदूर बहुत होते हैं तो बहुत बनती है, किस भट्टे पे मजदूर कम होते हैं तो कम बनती है। हमारे पास डेली 25,000-30,000 की है एक दिन की। अच्छा जी हाँ, 25-30,000 तकरीबन एवरेज है आपका? जी हमारा है, डेली इतना आप निकाल लेते हैं। और कितने मजदूर आते हैं आपके पास? जी हमारे पास कम से कम 200 मजदूर होते हैं, 150 मजदूर होते हैं, इतने हमारे पास आते हैं। ये ईंटें अंदर कहाँ से लगा रहे हैं? यहाँ से लगाते हैं, ये देखो। अच्छा, ये यहाँ से ईंटें लगती है, यहाँ नीचे से इसका रास्ता है? नहीं, आ जाओ इधर से आ जाओ। ये जो कच्ची ईंटें हैं ना जी हाँ, ये यहाँ पे जब रखते हैं तो क्या अभी ये देखो, ये रास्ता बना हुआ है, ठीक है ना? अच्छा जी हाँ, ये रास्ता बना हुआ है, यहाँ से पकती है, ये पक गई है, जा रही है, वो बाहर निकलती है और वो अंदर बाहर से आती है, अंदर जाती है। अच्छा, तो इसका तरीका ये है? जी हाँ। सिस्टम अभी यहाँ पे तो इसको पकाने के लिए जो है अभी ऐसा ही सिस्टम यहाँ पे होगा? जी हाँ, ऐसा ही सिस्टम, ये घूमता आता है। अच्छा, ये सारा सिस्टम ऐसा ही यहाँ पे घूमता आता है? जी जी। अच्छा, ये कोयला आप कहाँ से मंगाते हैं? खानोट से मंगवाते हैं, तट के साइड से, खानोट है ना जी, वहीं से ये कोयला मंगवाते हैं। अच्छा, सारा कोयला वहाँ से आता जी है? जी, कितने कौन से हिसाब में लेते हैं आप? जी ये 6,500 रुपया टन होता है, और 1.5 लाख रुपये में इधर गाड़ी पहुँचती है ट्रक। अच्छा, यानी एक ट्रक जो है वहाँ से यहाँ पे टोटल खर्चा कितना होता है? 1.5 लाख रुपये में पहुँचती है। 1.5 लाख में एक ट्रक पहुँचती है? जी हाँ। और एक ट्रक में कितना टन होता है? 15 टन होता है। 15 टन होता है जी हाँ। एक जो ट्रक से कितनी ईंटें बन सकती है? एक ट्रक से 18 लेने हमारी पक जाती है, कम से कम हमारी बना 30-40 हज़ार ईंट पक जाती है। अच्छा जी हाँ, 30-40 हज़ार एक ट्रक से? जी हाँ, एक ट्रक से पूरे भट्ठे में 11 ट्रकें लगती है, 12 लगती है, 13 लगती है, ऐसे हिसाब होता है। चलो अच्छी बात है, अच्छा मुनाफा होगा। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, आप आपसे बात करके बहुत ही खुशी हुई। मेहरबानी, कोई बात नहीं, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इसमें जो है ये रेत कम इस्तेमाल होता है, मिट्टी ज़्यादा होती है? हाँ। अच्छा, जब ये रेत इस्तेमाल नहीं करेंगे ना हम, अच्छा तो ये जो मिट्टी है ना, हाँ? वो ये कार्ब को, ये ईंट नीचे नहीं उतरेगी। अच्छा, ऐसे ही चोटी पड़ी होगी? चोटी पड़ी होगी, सही बात है। ये जो रेत जो इस्तेमाल करते हैं वो खास करके जो मिट्टी को निकालने के लिए, हाँ, सफाई के साथ निकलना चाहिए। अभी समझ में बात आई है।
सारे दिन में घर पर फाइनेंस आप दिन में कितनी ईंटें निकाल लेते हो? मैं रोज 2000 लगाता हूं। 2000? हां रोज। कितनी तारीखें लगाई हैं इस हफ्ते में? अच्छा, तीन ही तारीखें 2000 की लगाई, यानी 6000 टोटल आपने निकाली है। हां, किस टाइम आते हैं और किस टाइम तक आप काम करते हैं यहां पे? यहां मैं आया था मुला आजम दिया था तभी आया था यहाँ पे। अच्छा, फजर के टाइम भी आते हैं? हाँ। और जाने का क्या टाइम होता है आपका? शाम को जाते हैं, शाम की अजान के वक्त। हाँ। तो इसका जो मजदूरी वाला हिसाब है वो क्या होता है, ईंटों के हिसाब से होता है या? हाँ, ईंटों के हिसाब से। हाँ, ईंटों के हिसाब से। ये है 650 रुपये हजार। 650 ईंटे बनाने से 1000? नहीं, 1000 ईंटे बनाओगे ना। अच्छा, तो तुमको 650 मिलेगा। हाँ, 650 मिलेगा। 1000 ईंटों में 650। हाँ, यानी इस हिसाब से आप जो है 1300 कमा लेते हैं दिन में। हाँ। ये जो काम है ना, काम बहुत है इसमें। काम तो दिख रहा है हमें। हाँ। अभी फारिग तो बैठना ही नहीं है, सारा दिन ऐसे ही काम करना। कोर्ट से आता हूँ, ठाकुर हूँ। मीरू कोर्ट से? हाँ। व्लॉग पट्ठा रिकॉर्ड करने का था और ईंटें कैसे बनती हैं ये आपको दिखाने का था, तो वो हम आपको दिखा चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।